नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्री डिश में। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ एक और MPEG2 सेटअप बॉक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे 888 या 000 या बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा आपके केस में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही बुरी तरीके से ये फॉल्ट है। दोस्तों ये देखिए अब 666 हो गया। तो दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके MPEG2 सेटअप बॉक्स में आती है तो दोस्तों आप उसे कैसे सही करेंगे। देखिए देखिए चार आ गया, उल्टा चार आ गया। और ये देखिए जय बार मैं दाब रहा हूँ तय बार, यहाँ पे दोस्तों तरह तरह की प्रॉब्लम आपको दिख रही है। लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। उसके लिए दोस्तों आपके पास एक MPEG2 का कार्ड होना चाहिए। और ये दोस्तों हमारे पास एक दूसरे सेटअप बॉक्स से मैंने निकाला है इस कार्ड को, और इस कार्ड की मदद से दोस्तों हम आज इस सेटअप बॉक्स को सही करने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी जीत सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए बिल्कुल फ्री में फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों जल्दी से आप लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पिछले वीडियो के लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर हैं अमित जी, जिनको दिया गया है फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं MPEG2 का कार्ड है, और इसी कार्ड की मदद से दोस्तों हमारे पास ये हमारा जो सेटअप बॉक्स है ये सही होगा। और दोस्तों इसमें ऑल TV चैनल भी देखने को मिलेंगे। लाइव में दोस्तों आप लोगों को इसकी पूरी सेटिंग मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का बेल्ट वायर भी लेना पड़ेगा जिसकी मदद से दोस्तों आपका सेटअप बॉक्स सही हो जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपग्रेड का। कल की वीडियो मैंने बताई थी जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को मुझे जहां तक लगता है कि सही तरीके से मैं बता नहीं पाया, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को उस वीडियो में समझाया था। लेकिन क्या पता कई लोगों ने कमेंट किया था। दोस्तों आप लोगों के पास एक ऐसा वायर होना चाहिए दोस्तों जिसे कहते हैं बेल्ट वायर। दोस्तों चार वाला होना चाहिए, चार तार वाला। दोस्तों इस बेल्ट वायर में आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस बेल्ट वायर में दोस्तों यहाँ पे चार वायर है, ठीक है, ये सीधी हैं और दूसरी साइड भी आपको सीधी ही मिलेंगी। लेकिन दोस्तों ये बीच वाला वायर है, इधर वाला वायर आपको इधर करना है और इधर वाला वायर इधर कर लेना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझ जाइए, इधर ये इधर वाला वायर जो है ये एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ पे दोस्तों ये इधर वाला वायर इधर करना होगा और इधर वाला वायर आपको इधर करना है, यानी उल्टा कर देना है, जैसा कि मैंने दूसरी साइड मैंने पहले से कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था करके इसको इसकी पिन को कैसे बदलना है। तो पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही अच्छी मैंने बनाई है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने मेन कंटेंट की तरफ, यानी कि दोस्तों अपने सेटअप बॉक्स की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो ये सेटअप बॉक्स है अब इसी में दोस्तों पूरी कहानी करनी है। तो दोस्तों मैंने इसे तो पहले से ही खोल रखा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस सेटअप बॉक्स में यहाँ पे आपको चार पिनें यहाँ पे नजर आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहली जो पिन है दोस्तों 3.3 वोल्ट की है, दूसरी है RX TX और ये लास्ट वाली है दोस्तों माइनस की पॉइंट है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से बखूबी यहाँ पे देख लीजिए, और ये आगे बिल्कुल लगी होती है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों इसे देख लीजिए आप लोग, कुछ इसी प्रकार से ये आपका होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लेना है एक दूसरा कार्ड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ये दूसरा कार्ड है दोस्तों हमारे पास। और इसी दूसरे कार्ड में दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो बेल्ट वायर है दोस्तों इस बेल्ट वायर को का ये जो माइनस वाला हिस्सा है देख लीजिए, इसमें भी ब्लैक वायर को मैंने इधर रखा है। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये इधर मैंने ब्लैक वायर को रखा है और इधर प्लस को रखा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें अपने सेटअप बॉक्स को ऑन कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑन हो जाए, ठीक है। ऑन करने से पहले मैं अपना जो सिस्टम है दोस्तों ये लगा लेता हूं, अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेता हूं दोस्तों इसे, और आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों हमने अपना मोबाइल यहां पे लगा दिया है और ये इसका ईजी कैप से मैंने कनेक्ट किया है, ये ऑडियो वीडियो केबल है। अब दोस्तों इस कार्ड को हमें निकाल देना है यहां से, ठीक है, ये निकल गया। और हमारा जो दूसरा वाला कार्ड है, ठीक है, वो यहां पे इसमें हमें सप्लाई जोड़ देना है, जो सही वाला कार्ड है उसका, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए, ये देखिए सप्लाई हमने यहां पे लगा दिया और यहाँ पे इसे लगा दिया, और इसे दोस्तों आराम से हमें इधर रखना है, और यहाँ पे दोस्तों हम इसे ऑन करेंगे, ये वाला तो ऑन हो जाएगा। अब इसका जो सॉफ्टवेयर है इस वाले कार्ड में हमें डालना है। तो सबसे पहले मैं इसका वीडियो का पोर्ट लगा दूँ ताकि आपको मोबाइल में भी
पता चलता रहेगा। तो मैंने इसे लगा दिया है, ये ऑन हो गया है। यहाँ पे ये देखिए, इसमें भी आ गया। इसको फुल कर देते हैं और इसको रिकॉर्डिंग मोड पे हम लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास हमारा जो ये भी है नो टीवी प्रोग्राम फाउंड नाम से आ रहा है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अपने सेटअप बॉक्स में सबसे बड़ी सेटिंग ये करनी है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने ये रिमोट लिया है और रिमोट से दोस्तों हमें मीनू बटन दाबना है। मीनू बटन दाब के दोस्तों हमें सबसे पहले आप लोग यहां पे देख लीजिए, ये यहां पे देखिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा और इधर कर दें हम, आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से दिखलाई दे, ठीक है। इसे सही कर देते हैं जी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मीनू बटन मैंने दाब दिया है, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और उसके बाद से दोस्तों आपको कहाँ आना है, यहाँ पे सिस्टम सेटअप में, सिस्टम सेटअप में आइए और नीचे आ जाइए सॉफ्टवेयर अपग्रेड में। आपको P2P ऑल और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना दोस्तों। बस आप लोग यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके भी केस में यहाँ पे रिट्राई 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 आपका ये करता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रिट्राई होता रहेगा और उसके बाद से दोस्तों हमारा जो कार्ड है आप लोग TV में भी देखते रहिए। यहाँ पे दोस्तों अब देखिए, अभी हमें क्या करना है, ये वाला कार्ड लेना है और ये जो वायर लगाया है इसको तुरंत हमें यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी ये देखिए रिबूट हो गया, तुरंत हो गया, ट्रांसफरिंग डाटा यहाँ पे लिखा आ गया है। और यहाँ पे दोस्तों अभी देख सकते हैं आप लोग ट्रांसफरिंग डाटा हो रहा है और ये डाटा अभी तुरंत आपका हो जाता है। और उसके बाद से दोस्तों ये आपका जो कार्ड है, ओल्ड वाला जो कार्ड है, ये आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से सही हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कई कार्ड है, मैं कई कार्डों को कुछ इस थ्योरी से मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आदमी मैंने सफलता भी पाया है। बाकी दोस्तों कई एक कार्ड्स के हैं दूसरे तीसरे प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो बना के दिखाऊंगा। दोस्तों इस तरीके से आप दुनिया भर के बहुत सारे TV चैनल भी देख सकते हैं। अभी इस कार्ड में जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस कार्ड में दोस्तों सॉफ्टवेयर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे अभी यहाँ पे रिबूट हो जाएगा, ये देखिए वायरिंग फ्लैश अपग्रेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे और दोस्तों अब हम आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई वाला निकाल देते हैं, ठीक है, और ये निकाल देते हैं, ये वाला यहाँ है, इसका ऑडियो वीडियो यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, और इसका यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एक बार ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये हमारे पास ऑन हो गया और यहाँ पे हम एंटीना लगाएंगे, हमारे पास TV चैनल्स आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों हम आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि साहिल भाई फिर से इस वीडियो को बनाइए, तो दोस्तों मैंने बनाया था। बाकी इससे पहले भी कल वाली वीडियोस में भी आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखा, प्यार किया। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।